परफेक्ट टीवी नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी यात्रा पहुंची है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के माँ दुर्गे काली वैष्णो दरबार भगत अंजलि जी के पास ये विशेष मुलाकात। तो माता जी, सबसे पहले तो हम आपका हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और आशा है कि आप इस महामारी के दौरान आप सभी सुरक्षित हैं, और दरबार का भी जो है, कुछ दिनों से हमने देखा है कि दरबार में भी अभी चौकी नहीं लग रही जी। तो आप सबसे पहले तो माताजी, दरबार के विषय में कुछ सभी को बताएं। दरबार के विषय में वैसे तो सभी संगत जानती है, जुड़ी है देश विदेश से। ये माँ दुर्गे काली चौकी है, वैष्णो दरबार है। यहाँ हर प्रकार का काम होता है, चाहे वो जिसकी गोद सुनी है, बच्चे नहीं हो रहे, किसी का काम रुका है, या भूत प्रेत का कुछ किया कराया है। हर ऐसा कोई काम नहीं है जो यहाँ ना हो महामाई की दया से। तो करने वाली तो यही बैठी महारानी, मैं तो एक सेवक हूँ जो बस कहते हैं कि सीधा चल के माँ खुद नहीं आती है, कुछ ना कुछ जरिया बनाती है। बस इसकी दास हूँ, इसकी सेवा कर रही हूँ। जो ये हुक्म ये करवा रही है मैं कर रही हूँ। बिल्कुल, आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं, जन कल्याण कर रही हैं। और हम सभी देखते भी हैं कि YouTube के ऊपर आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो आपको एक माँ के रूप में पूजते हैं, आपको चाहते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और उन सभी की भी एक आशा रहती है कि वो आपसे मिले, आपसे बातें करें जी। तो क्या हम ये जान सकते हैं, ये सारा सफर जो आपका है, एक सफल सफर मैं कहूंगा जी, कि आप यहाँ तक कैसे पहुंची, ये शुरुआत कहाँ से हुई सफर की? ये शुरुआत तो बहुत साल पहले हो चुकी थी, बट क्या था कि मेरी जो शादी हुई थी वो ऐसे घर में हुई थी कि जहाँ महाकाली को नहीं माना जाता था। जहाँ उस समय आज से कम 14 साल से ऊपर हो चुके हैं इस चीज को। उस समय था कि काली माँ सब बुरा करती हैं, अच्छा नहीं करती। और शुरू में थी मैं दुर्गे भगत थी, मैं नवरात्रे करती थी। घर में सभी के घर में ऐसा होता है कि नहीं मिलता अच्छा परिवार, क्योंकि मेरे डैडी नहीं थे, मामा ने मैं पाली थी, पोसी वहीं पे हुआ था मेरा पालन पोषण। और छोटी उम्र में मेरी शादी हुई थी। कहते हैं उस समय नहीं करते थे, बस आजकल तो टाइम है कि लड़का देख के, परिवार देख के करते हैं भी लड़का क्या कर रहा है पीछे। मेरे दम नहीं था क्योंकि मामा के पली बड़ी थी, देखा और कर दिया, चलो वो हो गया। वो वहाँ देवी देवता जो मिला वो देवी देवता मानने वाला बंदा नहीं था। कष्ट थे बहुत ज्यादा, जैसे दुनिया जाती उस समय मैं भी जाती थी। जैसे किसी ने बता दिया कि आप वहाँ जाओ, माँ की चौकी लगी है, या बाबा की जाओ कि आपका घर सही हो जाएगा, आपकी इज्जत होगी, जैसे ऐसे मैं चली। तो किसी ने बताया कि आप इसकी सेवा उठाओ, मैं करने लगी। लेकिन मानने वाला मैं मानती, बटोर नहीं मानते। जब मैं पूजा करती तो उसी को दीवे उठा के फेंक दिया जाता कि भी तू ढोंग करने लग गई है, भजन सुना नहीं जाता। मतलब कष्ट पे कष्ट आते रहे जी। रिलेशन मेरा रहा ही नहीं है मेरे हस्बैंड से, वो उकलाना वाले भी जानते हैं कि हमारा, क्योंकि उनका शुरू से ही ऑफिस अलग से ही रहा है, कॉन्टेक्ट नहीं था, सब अकेले ही करना था। भगवान में रुचि की भी शांति मिलती थी, ये नहीं था। घर क्लेश इतना पक गए थे क्लेश, मतलब सुन सुन के, क्योंकि पीछे भी सुख नहीं था। कहते जिसके सर पे बाप का साया ना हो तो उसको, वही बात है ना, माँ छोटी उम्र में ही मामा ने वहाँ पे पालन पोषण किया, फिर हम, फिर हमारा, तो ये सब देखती आई थी। आगे भी वही मिल गया मुझे कि उससे भी बुरा मिल गया। ये देखो एक माँ को तो चलो मामा मेरे बहुत अच्छे हैं, आज भी हैं वो, उन्होंने किया, बट आगे उससे भी नवाग ऐसा मेरी, ये लगा लो कि परीक्षा थी, पता नहीं कौन सी खेल तो इसी का था। तो पूजा पाठ चालू की धीरे धीरे धीरे, कभी की डरती डरती करती, कभी रात को करती, कभी दिन में, कि भी शायद क्योंकि वो ड्रिंक बहुत ज्यादा करते थे, 6 महीने में अगर कभी एंट्री होगी घर में तो ये डर लगता था कि अगर आगे, डरते डरते फिर भी करती रही। इसकी घाल आने चालू हो गई, पता नहीं था उस समय, डर गई कि भूत प्रेत है, कहीं कुछ हो। अब ये पहले ही दीवा बाती करवा रहे हैं कि भी करने से मना कर रहे हैं, अब ये पता चल गया तो कहेंगे तो हमारी तो बेइज्जती होगी। और मैं बंसल परिवार से, गर्ग परिवार से, बनियों के खास करके होता है इन चीजों में जी। अब तो फिर भी मानना चालू हो गया, क्योंकि कई साल हो गए मेरे को चौकी लगाते, सब मान गए हैं, उस समय नहीं मानते थे। तो ऐसे ऐसे चलता रहा, मैं गई चौकी पे, बहुत अच्छे अच्छे भक्तों के पास भी गई, जो जनानियां थी खास करके,
लेकिन जो भक्त लोग जो थे उस समय, आज भी ठगी है, मैं तो ठगी बोलूंगी, सारे तो नहीं है उस समय, बस ये है कि भाई यूज करना, जब पता है कि अकेले के जन आगे पीछे कोई नहीं है तो वह भक्ति के इलाज में, लेकिन ये जो काली थी इसने कहीं खड़ा नहीं रहने दिया, ये इतनी इतनी ऊंची उछालती थी, मेरी वीडियोस भी है पुरानी, जब चली थी ये बड़ी प्रचंड चली थी, किसी के कह दे कि हाँ हम खोल देंगे, ये बोलती नहीं थी, ये खेलती थी, खेल सारे दिखाती थी, मुझे दिखाती थी, खुद आके उठाती थी, करती थी, पर विश्वास नहीं करता था कोई कि भी ये कर रहा है। मुझे, मैं बताती थी, दीवारों पे ऐसे नक्शे बन जाया करते थे सब देवी देवताओं के, तो सबने ऐसे पागल करार दे दिया परिवार वाले, कहते ये पागल हो गई है, इसको मेंटल हॉस्पिटल लेके जाओ, कि भगवान इसी को दिख रहे हैं, भी इतने सालों से जो पंडित है मंदिरों में पूजा करे उनको तो आज तक नहीं दिखे, नए नए सवाल, वही बात है जी। अब वही है, कोई साथ देने वाला नहीं, मैं कह रही माँ है, माँ मुझसे बात करती है, माँ मुझे दिखती है, सिंह पे दिखती है, कभी काली रूप में त्रिशूल दिए दिखती है, हर रूप में दिखी है, बात होती सब कुछ नहीं माना, मेरा दिमाग चला गया, मैं पागल तक हुई हूँ इसकी भक्ति में, कहते है ना कि भक्ति पागल बनाती है, और मैं सच्चा जीता जागता सबूत हूँ इसकी भक्ति में, मैं पागल हुई हूँ, तो पागल मैं 2 महीने में कहूंगी, सही, मैं झूठ नहीं बोलूंगी गद्दी पे, वैसे भी मेरे को पसंद नहीं है झूठ बोलना, 2 महीने हॉस्पिटल करना क्या था, इसी का खेल था, डॉक्टर ने दवाई वो लगने थे, तो उसके बाद मेरी माँ ने संभाली, दिखाई, भागी कभी शहर को, भागी कभी हॉस्पिटल में, फिर मैंने भी ये कर लिया, इसने उठाया कि दवाई नहीं लेगी, मैंने नहीं दवाई मारी, भगा के हॉस्पिटल से भी मैं भाग आई थी, एक दिन तो पूरी गायब थी, मैं सही बताऊं, क्योंकि भक्ति इतनी ज्यादा, जब मुझे वो दिख रही है साथ साथ चलती है, और दूसरा मेरे पे यकीन नहीं करता, करे भी क्या, जो देखेगा जो अनुभव वो हम कर रहे हैं वो दूसरा कैसे कर सकता है उस समय, तो उस कहते ये तो पागल होगी, मैं पागल हूं तो पागल हूं, वो दिखती इसकी भक्ति नहीं छोड़ी, मैंने दोबारा फिर मैं खड़ी हुई, मैं 2 महीने खाया नहीं कुछ जब हॉस्पिटल में रही, कि मैं क्या तू भी ले ले परीक्षा, सब चीखा चलाई चलता रहा, 2 महीने के बाद फिर मैंने दवाई छोड़ दी, दवाई मैं कह नहीं लूंगी, अगर इसने मारना है तो मार देगी, लेकिन तुम अपनी करते रहो, मेरी मम्मी टेंशन, एक माँ ही होती है जो सबसे बड़ी, अगर मेरी माँ ना होती तो मैं आज होती भी नहीं, उसने संभाला मुझे, वो उसने संभाला, उसने हिम्मत दी कि हाँ ठीक है, तुझे अगर तेरी है तू माँ पूज, तू भजन सुन, तुझे कोई नहीं रोकेगा, वो आगे आई तो मेरी थोड़ी हुई कि हाँ अब मुझे नहीं रोकेगा, माँ का सपोर्ट मिला, पहले तो भड़का दी थी मेरी माँ भी कि ये इससे हो रही है पागल, इसको बंद करो, काली को निकालो, तो और ज्यादा मेरे को टेंशन हो गई, जब जैसे जैसे करते रहे चलते रहे, फिर धीरे धीरे फिर वही क्षण, फिर उसका तो था ही, वो तो मतलब अब क्या पर्दाफाश करना, मैं तो पहले भी कर चुकी हूँ ऐसे, भाई अगर कोई किसी को अपना मतलब मिले जीवन साथी तो त्याग देना, घुट घुट के मत मरना, मरने की मत सोचना, अगर आपके बच्चे हैं तो उनका माँ नहीं मिलेगी, उसको औरत और मिल जाएगी, उसको तो 70 मिली, 70 गई, 70 अब मुझे नहीं पता क्या है, मैं तो बहुत साल पहले ही त्याग चुकी थी, अपने बलबूते पे खड़ी हुई, जब इसके पर्चे लगे, इसने कई साल पहले ही वचन कर दिए थे, जब मेरा फैमिली थी, मैं जब मैं साल में कॉन्टेक्ट था मेरा, तो वचन किए थे, लेकिन माना नहीं कोई, कहते ऐसी फेंक रही है ये, तो नहीं माना, लेकिन उसके वचन एक साल भी नहीं पकड़ा, सारे वही हुए जो उसने वचन किए थे, एक एक जैसे जैसे काम बनते रहे, दरबार चलना चालू हुआ, मूर्तियां आई, एक एक अपने आप ही रास्ता खोलती रही है, दरबार लगता रहा, काम करते, जो मंडी वाले नहीं करते थे, कभी दुकान खोल ली है जिसने, वही आके ये कहते भी हमारी बारी लगवा दो, जब पता है कि भी इतने सालों से कि भी खंड कितने दिन करेगा, गर्दन कितने दिन घुमाएगा बंदा, कितना, तो ऐसे ऐसे चलते जब महामाई ने अपना पर्चा लगाना चालू किया, ऐसे ही चढ़ती चढ़ाइयां हो गई, मैंने पीछे मुड़ के ना पहले देखा था ना मैं अब देखती हूँ, बस ये है संगत का जो मतलब शनि मंगल दरबार लगता है ये, और यहाँ पे फ्री सेवा होती है, जितनी देर बैठा जाता है शरीर में जान होती है उतनी देर बैठती हूँ, उसके बाद विदाई, फिर अगले शनिवार, फिर अगले मंगलवार, ऐसा है, और महामाई करवा रही है, ये है मेरे जीवन की कहानी, और कुछ नहीं, अकेली चल रही हूँ, पहले भी बोला था अकेली हूँ, लेकिन महामाई ने बाँ फड़ के चल रही हूँ, और कोई सहारा नहीं, जो मेरी फैमिली है असली, मेरी जन्म देने वाली माँ और मेरी संगत जी। तो बहुत ही कठिन आपका सफर रहा है, बिल्कुल, और महामाई के कृपा से आप यहाँ तक पहुँची हैं। आज अंजलि बंसल एक बड़ा नाम है अध्यात्म की दुनिया में, जी जी, क्योंकि YouTube खोलो तो आपकी वीडियो जो है सबसे पहले आकर दिखती है, और बहुत भगत आपकी वीडियो देखते हैं। तो अब हमने हमारी जानकारी में ये भी आया है कि एक नया दरबार का निर्माण आप कर रही हैं, उस विषय में आप कुछ बताएं। जी हाँ, दरबार लिया है, जगह भी ली है,
उसमें अभी तो कहते हैं कि क्योंकि दरबार इस बीमारी के कारण बंद हुआ, क्योंकि संगत मेरी ज्यादा क्या है फॉरेन की, बाहर विदेश की, और दिल्ली दिल्ली साइड की और बॉम्बे साइड की है, और वहां पे ये बीमारी ज्यादा है। तो इसी चक्कर में अभी मैं दरबार नहीं खोल रही हूँ, क्योंकि एक को हुआ उनको भी नहीं पता होगा कि तुम्हें है बीमारी ऐसी है। अब और ऐसे पड़ा से सब चीजें देख के मैंने बंद किया है, बट काम चालू है, काम महीने में अंदर हो जाना चाहिए अगर संगत ने आगे, क्योंकि मैं अकेली नहीं, दरबार सबका है, मेरा अकेला तो है नहीं, क्योंकि माँ सबकी है, दरबार सबका है, बैठ के संकट वहां संगत के ही कटने हैं, ना कि मेरे कटने हैं। तो ये सारी संगत साथ देगी तो ये जल्द काम होगा, मैं यही आशा करती हूँ कि भी ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा भी अगर उसमें से कर माँ माई का ये मौका मिला है करने के लिए। आगे तो बड़ा धाम बनना है, वो जगह ले ली गई है, बट उसमें समय है, लेकिन अभी तो फिलहाल ये है कि भी इस बीमारी में इकट्ठे 50 बंदे 60 बंदे बुला के भी हर शनि मंगलवार कष्ट काटा जाए, इतनी जगह है ऊपर। तो बस यही कहना चाहूंगी, जो अगर आगे आना चाहे तो आगे आके इसमें हेल्प करें, महामाई उनके भंडारे भरे। बिल्कुल, हम भी सभी भक्तों से ये प्रार्थना करेंगे कि महामाई का ये जो पावन दरबार बन रहा है आप सभी के लिए ही बन रहा है, और आप सभी आगे आए और अपना अपना सहयोग दें। माता जी के यहाँ पर बहुत लोगों से हम लोग मिले हैं ऐसे जिनके कष्ट कटे हैं, और इसी के साथ आज हम इजाजत लेंगे। भगत अंजलि जी, आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाएं। और एक आखिरी क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा, आप अपने ऐसे भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो आपकी ही तरह बनना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं यही कहूंगी अगर मेरी तरह बनना है तो वो कलेजा मजबूत करना होगा, क्योंकि अगर आप मतलब गृहस्थ हैं, शादी हो चुकी है आपकी, अगर मेरे जैसी फैमिली मिली है तो बड़ी मुश्किल होगी इस चीज में, क्योंकि एक तरफ जाओगे तो आप मायके की देखोगे कि वहां पे बेइज्जती होगी, अपनी माँ की होगी, बाप की होगी, इस तरफ से कहोगे दोनों तरफ आप। मैं ये कहूंगी जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। सबसे कहूंगी मैं उन भक्तों से नहीं, सबसे कहूंगी उन बच्चियों से कि अगर ऐसा परिवार मिला है, ऐसे परिवार को त्याग के आगे बढ़े। ऐसा परिवार कभी भी जिंदगी में सुख नहीं दे सकता, जो नारी की इज्जत नहीं कर सकता, जो महामाई की, फिर वो क्या करेगा। और मेरा तो ऐसा था, महामाई को ही लात पड़ी तो मेरा स्थान कहाँ था। तो आज ठोकर खा रहा है वो परिवार, आज सड़क पे है, पर मेरे तो महामाई ने झंडे लहरा दिए। जिसने कहा था भूतनी, आज उसने ऐसे किया है, जो बड़े बड़े नेता से लेके, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे फौजी में हो, जो कहीं भी, सब यहाँ पे एक बार ये सोचते हैं 2 मिनट माता जी से मिले और हमारा काम हो। विश्वास, अटूट विश्वास रखिए और कलेजा रखिए मजबूत, अगर मेरे जैसे बनना है। सच को सच कहिए, अगर झूठ को सच कहेंगे तो ये भी नहीं सुनेगी, डट के सामना। अगर कोई गलत बोल रहा है तो चप्पल रखिए साथ में, अकेला चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये दुनिया आपसे पासे जाल बिखाएगी, लेकिन अगर आपका विश्वास अटूट है महामाई पे तो ये ही उठाएगी। जय माता जी।